नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप या पीसी का फुल कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे पता करेंगे कि आपके पीसी का रैम कितना है, आपके पीसी का हार्ड डिस्क कितना है और आप कौन सा विंडो का वर्जन यूज कर रहे हैं, आपका प्रोसेसर क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पाते हैं। इसे पता करने का दो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। पहला तरीका है कि आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सिस्टम का फुल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाएगा, केवल आपका हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, आप विंडो का जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं, आपका यहाँ पे विंडो का वर्जन 8.1 आपका यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और आपका प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर के बारे में आपका यहाँ पर है। मेरे सिस्टम का रैम यहाँ पर 4 GB है, तो 4 GB यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपके सिस्टम में जितना रैम होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम टाइप आपका 64 बिट है, पेन टच है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे जाएंगे, मेरा नाम क्या है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क के बारे में चेक करना है तो इसके लिए आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए, फिर मैनेज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, मैनेज पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा डिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, यह है डिस्क मैनेजमेंट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका टोटल हार्ड डिस्क कितना, मेरा यहाँ पे 1 TB का है। ठीक है, तो 1 TB यहाँ पे टोटल दिखा रहा है ये वाला, और इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो तीनों ये ड्राइव के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन टोटल स्पेस मेरा कितना है, टोटल स्पेस मेरा यहाँ पर 1 TB। ठीक है, ये तो था आपका पहला तरीका कि आप कैसे पता करेंगे आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप सीधा रन कमांड खोलेंगे, इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर की, और वहाँ पर आप लिखेंगे DXDIH। ठीक है, आपको लिख के इंटर मारना है, उसके बाद आपसे यहाँ पे एक परमिशन मांगेगा, आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का विंडोज आपको ओपन हो जाएगा। विंडोज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सिस्टम का फुल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम का करंट डेट क्या है, नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, कितने बिट का है, लैंग्वेज कौन सा है, सिस्टम मैन्युफैक्चर किस कंपनी का है, सिस्टम मॉडल कौन सा है, बायोस का नाम क्या है, प्रोसेसर का नेम क्या है, आपके लैपटॉप या पीसी में रैम कितनी है और पेज फाइल क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।